हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सूतयांग होता है उससे मिलने के लिए यहाँ रैंगशी का ब्रदर आया होता है। यहाँ वो सूतयांग को रैंगशी के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए धमकाता है कि अगर उसने रैंगशी का साथ नहीं छोड़ा तो सूतयांग को ऐसी सजा देगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सूतयांग उसे करारा जवाब देता है कि वो मेरे घर में आके मुझे नहीं धमका सकता और ना ही मैं तुम्हें अपने घर में वेलकम करता हूँ, सो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब आगे यहाँ से एपिसोड शुरू होता है जहाँ रैंगशी का भाई वांग पिन आगे सूतयांग पे हमला कर पाता, वहाँ पे रैंगशी के ही एक और अंकल आ जाते हैं। यहाँ पे रैंगशी के अंकल भी वही बात कह रहे होते हैं जो थोड़ी देर पहले उसका ब्रदर कह रहा था। सूतयांग जब छोटा था तो काफी पहले वो मुंह हौस आया करता था और हमारी फैमिली की रिलेशनशिप काफी अच्छी थी और इसे हम लोग रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। यही वजह है कि हमने रैंगशी की शादी बातों बातों में तुमसे करने का डिसाइड कर दिया था। लेकिन अब सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है, रैंगशी की कहीं और शादी होने वाली है, तो तुम इससे शादी नहीं कर सकते और यहाँ इसके फियांसे होने का दिखावा करना बंद करो और अभी का अभी रैंगशी का साथ छोड़ दो। जिसपे सूतयांग यहाँ उनसे पूछता है कि मुझे बचपन की तो बात नहीं याद है, आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ साफ साफ कहें। अब यहाँ अंकल से रहा नहीं जाता और वो अपनी असलियत दिखा देते हैं। इनके इस फेक रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए वो यहाँ साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल करने वाले थे। अब आगे सूतयांग को सब समझाने से काम नहीं चलता है, इसीलिए अब वो उसे दाम दे करके समझाना चाहते थे। अंकल उसके सामने ये ऑफर रखते हैं कि अगर तुमने अभी कभी रैंगशी के साथ ये फेक रिलेशनशिप तोड़ दी तो हम तुम्हें ढेर सारा कंपनसेशन देंगे। जिसमें सूतयांग उनसे बताता है कि हम दोनों के रिश्ते के बाद मुझे जितना याद है इसकी इनिशियल शुरुआत तो आपने ही की थी। जिसपे अंकल उसे ये जवाब देते हैं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें बदल लेना ही काफी बेहतर होता है ताकि हमें आगे चल के लॉस सहना ना पड़े, और अगर तुम अभी के अभी उस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए एग्री होते हो तो हम तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे 3+ नरिशमेंट पिल दे सकते हैं। अब यहाँ सूतयांग को सटक जाती है, वो उससे कहता है कि तुम मुझे उस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए बस इतना तुच्छ सा ब्राइब दे रहे हो और रिश्वत भी दे रहे हो, तो इतने लो ग्रेड वाले एक्लिजर्स के साथ तो इनका मैं क्या ही करूँगा जब मैं खुद टॉप ग्रेड के एक्लिजर्स को रिफाइन कर सकता हूँ। और मुझे नहीं पता कि मू फैमिली जो अपने आप को इतना खानदानी और रिच फैमिली समझते हैं वो इतने कंजूस होंगे, और वाकई में आप लोग इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए अगर सिंसियर थे तो मुझे कम से कम तियान दान नामक एक खास एक्लिजा से तो ऑफर करते। जिस पर रैंगशी का भाई उसे कहता है कि तियांग दांग कोई मामूली चीज नहीं जिसे तुम जैसे बंदे लेना डिजर्व भी करते हैं। अब इस पे सूतयांग उसे ये जवाब देता है कि नरिशमेंट प्लस पिल जो होती है वो सिर्फ ऑर्डिनरी वॉरियर्स को ही अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन इसका मेरे लिए कोई यूज नहीं है। अगर तुम्हें मेरे साथ इस डील को डिस्कस ही करना है तो विदाउट ध्यान दाना मैं कुछ नहीं कर सकता। सो अब यहाँ दाम देने के बावजूद भी अंकल की बात नहीं बनती तो आगे वो अपनी दंड देने की टेक्निक आजमाते हैं। तो सूतयांग को ये धमकी देते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अभी अभी अपने ड्यूअल मार्शल आर्ट्स को अवेक किया है और तुम्हारी इस फायर एंड आइस का ड्यूअल टैलेंट तो इस लैनहाओ सिटी के लिए काफी बेस्ट है, लेकिन याद रखो कि ये लैनहाओ सिटी काफी छोटा है, तुम्हारे ये टैलेंट कहीं दब के रह जाएगा और तुम अगर इस लैनहाओ सिटी से बाहर निकले तो तुम्हारा ये टैलेंट कोई काम का नहीं, और वैसे भी तुम्हारी ये जो सू फैमिली है ऑलरेडी खत्म होने के कगार पे आ चुकी है तो तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए हम जो तुम्हें ऑफर दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा, और अगर तुम यहाँ पे रैंगशी के साथ एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा, तो फिर आगे मू फैमिली तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं चाहेगी और तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करेगी। साथ ही अपने प्रॉमिस के अनुसार हमने तुम्हें कॉम्पेंसेशन देने का भी वादा किया है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ दो, और अगर तुम्हें वो नरिशमेंट पिल अगर कम लगती है तो हम तुम्हें 5 नरिशमेंट पिल दे सकते हैं। जिसपे सूतयांग उनसे कहता है कि अगर आपका हो गया है ये बात कहनी तो आप क्या यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। अब आगे इधर देखते हैं जो रैंगशी का भाई होता है यहाँ पे काफी ज्यादा दबदबा जाता है और वो उनको ये धमकी देता है कि अगर तुमने अभी कभी ये बात नहीं मानी तो मैंने तुम्हारी ये कोर्ट यार्ड के अंदर जो स्पिरिचुअल वेन्स इंसर्ट किए हैं उनसे तुम पे अटैक करूंगा। जिसपे सूतयांग उन्हें साफ साफ ये जवाब दे देता है कि रैंगशी सिर्फ मेरी है और किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझसे उसे अलग कर पाए। अब ये सुनके तो यहाँ पे रैंगशी के भाई से रहा नहीं जाता और वो उस स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो शायद भूल जाता है कि वो सूतयांग के ही घर में है और सूतयांग ने उससे बड़े स्पिरिचुअल वेन्स वहाँ पे लगा के रखे हैं, जिसके मात्र एक इशारा करते ही वो उस रैंगशी के भाई पे अटैक करता है और वो दूर जा गिरता है। आगे सूतयांग स्पाइडर गर्ल को ये आदेश देते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं और रैंगशी अंदर आराम करने के लिए जा रहे हैं,
सो तुम यहाँ पे गार्ड करो ताकि हमारे आराम में कोई भी डिस्टर्बेंस ना डाल सके। अब आगे वे दोनों कमरे में चले जाते हैं जहाँ से फिर से इनकी ऑकवर्डनेस शुरू हो जाती है। यहाँ पे रैंगशी सूतियांग को मदद करने के लिए थैंक यू कहती है, तो सूतियांग उससे कहता है मुझे थैंक्स की जरूरत नहीं है, जो तुमने प्रॉमिस किया था वो 7 लाख गोल्ड कॉइंस का, उसे तुमने जल्द से जल्द पेड करना होगा। जिस पे रैंगशी उसे ये आश्वासन देती है कि जैसे ही उसे गोल्ड कॉइंस मिल जाएंगे वो पेमेंट कर देगी। कि वो सूतियांग के साथ एक ही कमरे में नहीं रहना चाहती है, इसीलिए वो वहाँ से जाने की जिद करती है। जिस पर सूतियांग उसे कहता है कि अभी तुम्हारा जो ब्रदर है वो काफी इंजर्ड है और वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, और अगर तुम अभी कभी बाहर गई तो उसे शक हो सकता है। तुमने ये जो इतने दिनों तक प्लानिंग की है और ये जो तुम्हारी फेक एंगेजमेंट की इतनी सारी मेहनत है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, और तुमने ही तो कहा था कि तुम अपनी मेहनत को इस तरह से वेस्ट नहीं जाने देना चाहती, इसीलिए तुम्हें आज की रात यहीं पे बिताना होगा। जैसा कि हर सीरीज में यही होता है कि मेन कपल्स अगर एक ही कमरा शेयर कर रहे होते हैं तो उनके बीच यही कॉन्वर्सेशन होती है कि कौन किस चीज पे सोएगा। यहाँ रैंगशी नीचे सोने के लिए इंसिस्ट करती है क्योंकि वो कमरा सूतियांग का था। जिस पे सूतियांग उसे कहता है कि अब इतनी भी ज्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो दोस्त बन ही चुके हैं और तुम बेफिक्र होकर बेड पे सो सकती हो। अब आगे रैंगशी काफी हिचकिचाते हुए बेड पे तो लेट जाती है, लेकिन एक ही बेड को शेयर करते हुए वो काफी ज्यादा यहाँ पे शर्मा रही होती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो सूतियांग के पास एक क्रिएचर होता है जिसका नाम लिंगर होता है, यहाँ पे वो कुछ चाल चलता है और वहाँ के एटमॉस्फेयर पे कुछ ऐसा जादू कर देता है कि जो रैंगशी होती है वो सूतियांग के आगोश में चिपक के सो जाती है। अब इसी तरह से यहाँ पे रात बीत जाती है, और जब रैंगशी की आंखें खुलती है सुबह में तो अपने आप को इस कंडीशन में देख कर पूरी शर्म से लाल लाल हो जाती है और वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है कि ऐसी कंडीशन में हमने रात कैसी गुजारी। अब आगे सूतियांग लिंगर की इस हरकत को समझ जाता है और उससे पूछता है कि तुमने कल रात में वही एटमॉस्फेयर पैदा किया था जिसके कारण रैंगशी की ये हालत हो गई। जिस पे लिंगर उसे बताता है ये तो बस उसने अपने मास्टर के लिए किया था क्योंकि वो कहीं न कहीं जानता था कि सूतियांग भी रैंगशी को पसंद करता है और अगर रैंगशी उसके साथ रही तो सूतियांग को अच्छा लगेगा। जिस पे सूतियांग उसे सैडली कहता है कि हम दोनों के रास्ते काफी अलग हैं और कभी भी हम एक नहीं हो सकते क्योंकि अब 1000 साल बीत चुके हैं और सिचुएशन काफी बदल चुकी है और मेरा मकसद बस एक ही है कि मेरी जो फैमिली की डिक्लाइनिंग पोजीशन है उसे मुझे सही करना है, साथ ही मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके कारण मैं इस वर्ल्ड में प्राउड फील कर सकूं। इसीलिए अब हमारे बीच ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और अब से तुम ऐसा नहीं करोगे। आगे सूतियांग लिंगर को उसके बारे में इतना सोचने के लिए उसे ट्रीट देता है ये कहते हुए कि कोर्टयार्ड में जितने भी स्पिरिचुअल वेन्स हैं वो काफी ज्यादा ड्राइप हो गए हैं तो तुम उन्हें डिवोर कर सकते हो। अब आगे लिंगर मास्टर यू आर द बेस्ट कहते हुए वहाँ से उन स्पिरिचुअल वेन्स को डिवोर करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें मू फैमिली को दिखाया जाता है जो कि सूतियांग से अब बदला लेने के लिए आपस में कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं। बिन में यहाँ सूतियांग का राइवल हानफिंग भी होता है जो कि उससे काफी डिस्परेटली बदला लेना चाहता था। अब वो यहाँ पे ये षड्यंत्र रचते हैं कि सबसे पहले सूतियांग को उस लैनहाओ मैंशन से निकलवा देंगे और जैसे ही वो वहाँ से निकलेगा उसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, तब हम आसानी से उसे मार सकते हैं। अब उसे किल करने के लिए वो किसी खास तरह के पिंगमई दान की बात कर रहे होते हैं। अब ये पिंगमई दान क्या होता है और इससे वो सूतियांग को कैसे मारना चाह रहे थे ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अब ये इस पिंगमई दान को यूज करके सूतियांग के डिफेंस पावर को खत्म करना चाहते थे ताकि उसे मारने में आसानी होती है, जहां हम देखते हैं कि सूतियांग ने लिंगर को उसके कोर्टयार्ड में लगे सारे स्पिरिचुअल वेन्स को जो डिवोर करने के लिए कहा था, जिसके कारण उसका जो मैजिकल क्रिएचर लिंगर होता है उसने अब कई सारी एबिलिटीज रिगेन कर ली होती है। आगे वो अपने मास्टर यानी सूतियांग से कह रहा होता है कि अब जब उसके अंदर इतनी सारी एबिलिटीज आ गई हैं, तो अपने मास्टर को अब अपने कुछ पावर्स दे सकता है। साथ ही लिंगर में अब एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म होने की भी पावर आ चुकी है, जिसपे अब सूतियांग उससे पूछने लगता है कि तुम अपनी कितनी स्ट्रेंथ मुझे दे सकते हो। अब इस बात की कैलकुलेशन करने के लिए हम लिंगर को सूतियांग की बॉडी के अंदर जाता देखते हैं, और अब लिंगर ने अपने मास्टर को इतनी पावर दे दी थी कि सूतियांग अब फाइनली ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट रेल में स्टेप इन कर चुका होता है। अब इस नए लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए सूतियांग बस एक स्टेप दूर था और ये स्टेप लिंगर पूरी कर देता है। लेकिन यहाँ लिंगर उसे बताता है कि मास्टर की फिजिकल बॉडी अभी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए वो वुजोंग कॉम्बैक्ट पावर को पोजेस नहीं कर सकता। अब ये वुजोंग कॉम्बैक्ट पावर वही पावर होती है जो कि ग्रेट वॉरियर रियल में जाने के बाद मिलती है। लेकिन यहाँ सूतियांग की जो फिजिकल फिटनेस होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है, जिसके कारण वो इस कॉम्बैक्ट पावर को पोजेस नहीं कर सकता था।
इसीलिए यहाँ पे सुत्यांग ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन देने के लिए जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू कर देगा। और अब आगे प्रैक्टिस करने के लिए वो लैनहाओ एकेडमी की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ सुत्यांग ये डिसाइड करता है कि वो 20 दिनों तक कड़ी मेहनत करेगा जिसके कारण उसकी फिजिकल बॉडी में इतनी स्ट्रेंथन आ जाएगी कि वो ग्रेट मार्शल रेल्म के हाफ स्टेप को तो आसानी से अटैक कर पाएगा। अब आगे हमें लैनहाओ एकेडमी का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहुँचते ही सुत्यांग को एक अजीब सी स्मेल आती है और इसी अजीब सी बदबू को स्मेल करते हुए वो एक एल्केमी रूम में पहुँचता है। लेकिन उस एल्केमी रूम में सिवाय सुत्यांग के कोई नहीं होता। आगे जब वो उस बदबू को फॉलो करते हुए पहुँचता है तो उसे एक कबर्ड में कुछ पिल्स एक पोटली में बंद मिलते हैं और इन्हीं से ही स्मेल आ रही होती है। अब यहाँ सुत्यांग जैसे ही उन्हें बाहर निकालता है उसे समझ में आता है कि ये कोई मामूली पिल्स नहीं है, बल्कि इसे पल्स क्वेंचिंग पिल कहा जाता है जो किसी की नर्व्स को पूरी तरह से निचोड़ने के काम आती है। हालांकि ये तो लो ग्रेड के स्किल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही सुत्यांग उन्हें देखता है उसे समझ में आ जाता है कि अगर ये उसने धारण कर लिए तो उसकी फिजिकल बॉडी के टेम्परमेंट के लिए ये काफी इफेक्टिव होगा। यहाँ सुत्यांग को लग रहा होता है कि किसी ने जानबूझ करके सीक्रेटली तौर पे ये इक्लिजर सिर्फ उसके लिए रखा है। लेकिन फिर उसे इस बात का आभास होता है कि इस दुनिया में कुछ भी तो फ्री में नहीं मिलता, और यहाँ पे जानबूझ करके किसी ने पिल रखा है तो जरूर ये किसी की साजिश भी हो सकती है। अब जैसे ही इस साजिश के बारे में वो आगे सोच पाता, वहाँ पे हम देखते हैं कि मू फैमिली के सारे कजन ब्रदर्स आ धमकते हैं, जो सुत्यांग को देखते ही उस पे ये इल्जाम लगाते हैं कि इसी ने ही उस प्लस क्वेंचिंग पिल को चुराया है। और लैनहाओ एकेडमी के लॉ के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है, जिस पे सुत्यांग उनसे कहता है कि अब मेरे समझ में आया, तुम लोग यहाँ मेरा ही इंतजार कर रहे थे ताकि ये साजिश कर सको और मुझ पे यहाँ चोरी का इल्जाम लगा सको। जिस पे हान फिन उससे कहता है कि जल्द से जल्द अपनी यहाँ गलती एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम्हारे साथ और भी कड़ाई के साथ ये एकेडमी डील करेगी। आगे वो ये कहते हुए उस एकेडमी के क्रिमिनल लॉ हॉल को ये सूचित कर देता है कि हमने एल्केमी रूम में चोर को रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ा है और वे लोग जल्द ही यहाँ पे आने वाले हैं। अब आगे उनमें से जो एक बंदा होता है वो फिर से सुत्यांग को ये धमकी देने लगता है कि अगर अपने फिजिकल पेन से बचना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपनी गलती मानते हुए तुम यहाँ सरेंडर कर दो। जिस पर सुत्यांग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इस बार तो बहुत बड़ी साजिश कर दी, लेकिन तुम्हारी ये छोटे मोटे ट्रिक्स मेरा कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इनके बीच इसी तरह से बहस जारी रहती है। इधर हम देखते हैं कि सुत्यांग को अपनी गलती जबरदस्ती मनवाने के लिए हांग फिंग की तरफ से यहाँ सबसे पहला अटैक वो सुत्यांग की तरफ करता है, लेकिन सुत्यांग उसके अटैक से मुकाबला करने के लिए अपने फ्लेम स्टेप को एक्टिवेट करता है और उन सारे प्लांट्स के टेंटेकल से बचते हुए यहाँ पे वो अपनी फायर स्प्रिट को समन करता है। अब आगे हम देखते हैं कि सुत्यांग के मात्र एक पंच से ही जो प्लांट टेंटिकल्स होते हैं वो हवा में डिसअपीयर हो जाते हैं। अब आगे सुत्यांग अपने जेड आइस स्नेक हैंड का यूज करता है, जिसके लगातार गिरते हुए पंचेस से वो पीछे हट जाते हैं। यहाँ सुत्यांग उनसे कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे कैप्चर करना चाहते हो, तो अभी पीछे क्यों हट गए। लेकिन फिर से यहाँ पे हान फेंग के बंदे सुत्यांग पे काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन अब की बार सुत्यांग अपने सुपर फास्ट स्पीड का यूज करके उन सभी को ऐसी धूल चढ़ाता है कि उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब इससे पहले कि दूसरे ब्रदर भी यहाँ पे साथ मिल करके सुत्यांग पे अटैक कर पाते, वहाँ पे अकेडमी के एल्डर आ जाते हैं। एल्डर सॉन्ग के पहुँचते ही सारा मामला उन्हें बताया जाता है कि सुत्यांग ने किस तरह से यहाँ के लॉ को तोड़ा है और इस एल्केमी रूम में आ करके यहाँ के प्रेशियस स्पेल को चुराने की कोशिश की है। इसने 6 पल्स क्वेंचिंग पिल्स को चुराया है, साथ में इसने हमारे आदमियों को भी मारा है। जिस पे एल्डर यहाँ सुत्यांग से पूछते हैं कि हांग फिंग द्वारा लगाया गया तुम पर इल्जाम, क्या ये तुम स्वीकार करते हो। इस पे सुत्यांग यहाँ पे इस इल्जाम को मानने से मना करता है। अब ये सुनते ही जो हान फिंग तरफ से जो सारे ब्रदर्स होते हैं वो एक एक करके यहाँ सुत्यांग पे इल्जाम लगाते हैं और वहाँ पे सभी गवाही देने लगते हैं सुत्यांग के खिलाफ। ये सुनते ही जो एल्डर सॉन्ग होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि पहले सुत्यांग के यहाँ पे अच्छे से तलाशी ली जाएगी, क्योंकि हान फेंग का ये इल्जाम है कि सुत्यांग के शरीर के ऊपर ही उन पल्स क्वेंचिंग पिल्स के ओरिजिन्स उसके बॉडी पे मिल जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि सुत्यांग ने ही ये चोरी की है। जिस पे सुत्यांग एल्डर सॉन्ग के इस बात का कोई जवाब नहीं देता, तो एल्डर सॉन्ग उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम हमें तलाशी लेने से मना करते हो तो यहाँ साबित हो जाएगा कि चोर तुम ही हो। कि तभी अचानक से एक लड़की अपेयर होती है, ये कहते हुए कि वो सुत्यांग की इनोसेंस को प्रूफ कर सकती है। अब इस लड़की का नाम यहाँ पर फीना होता है।
ये फीना वही लड़की होती है जिसके कुछ दिन पहले सुतियांग के साथ काफी ज्यादा फाइट हुई थी और ये दोनों उसी मिस्टीरियस लैंग्वेज को समझने के लिए उस स्टोन मॉन्यूमेंट में गए थे जहाँ पर इन दोनों के आपस में झड़प हो जाती है और ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन आज यहाँ फीना जो कि इसी लैनहाओ एकेडमी के लैनहाओ वूफी का एक स्टूडेंट है जिसे सभी लोग एक जीनियस स्टूडेंट की कैटेगरी में मानते हैं क्योंकि वो नंबर वन रैंक वाली स्टूडेंट है। वो यहाँ पे पर्सनली आई है ताकि सुतियांग की बेगुनाही को साबित कर सके। अब यहाँ उसे देख करके सुतियांग तो घबरा जाता है लेकिन यहाँ फीना उसके इनोसेंस में ये कहती है कि ये जो सुतियांग यहाँ पे खड़ा है ये कल रात मेरे साथ उस स्टोन मॉन्यूमेंट पे प्रैक्टिस कर रहा था और यहाँ हानफेंग के जो लोग इस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि कल रात इसने आके यहाँ पे चोरी की है तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एक आदमी एक वक्त पर दो जगह नहीं मौजूद रह सकता। अफीना की गवाही के कारण यहाँ पे ये साबित हो जाता है कि सुतियांग कल रात को इस एल्केमी रूम में नहीं आया था। लेकिन एल्डर यहाँ सुतियांग से पूछते हैं कि तुम्हारी बॉडी में से अब भी उस पल्स क्वेंचिंग पिल्स की ओरिजिन्स मुझे महसूस हो रही है तो इसे तुम कैसे साबित करोगे कि तुमने उसे नहीं चुराया है। जिस पे सुतियांग उनसे कहता है कि जब इतना जानने के लिए आप बेताब है तो मैं आपको सच्चाई बता ही देता हूँ। ये जो 6 पल्स क्वेंचिंग पिल्स हैं ये सारे मेरे हैं और मैंने ही इन्हें रिफाइन किया है। ये सुन के सभी यहाँ पे हैरान रह जाते हैं और एल्डर सॉन्ग जो होते हैं वो सुतियांग की इस बात को नहीं मानते जिस पे सुतियांग उनसे कहता है कि यही सच है और आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ हानफेंग का ही एक ब्रदर होता है जो यहाँ ये सजेस्ट करता है कि मेरे पास उस पल्स क्विंचिंग पिल को बनाने के लिए कई सारे हर्ब्स हैं। मैं इन्हें इन हर्ब्स को दे सकता हूँ, अगर इसमें हिम्मत है तो ये हमारे सामने उन हर्ब्स को रिफाइन करे और पिल बना के दिखाए तो हम ये मान जाएंगे इसके पास ये जो 6 पिल्स हैं इसने खुद रिफाइन किए हैं। जिस पे सुतियांग उनसे कहता है कि अगर मैं ये प्रूफ कर लूँ कि ये पिल्स मैंने खुद यहाँ बनाए हैं तो इसमें बस मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव करूँगा और इनका तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे उस पिल्स को रिफाइन करने से पहले मुझे इनके साथ एक डील करनी है और वो डील ये है कि अगर मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव कर पाता हूँ तो उन्हें कंपनसेशन के तौर पे मुझे लैनहाओ पॉइंट्स देने पड़ेंगे, वो भी 50,000 पॉइंट्स देने पड़ेंगे और अगर मैं ये नहीं कर पाता तो आप लोग जैसा चाहे मुझे वैसे पनिश्ड कर सकते हो। जिस पे वो सारे ब्रदर्स यहाँ पे ये डिसाइड करते हुए 50,000 पॉइंट्स को दांव पे लगा देते हैं कि चलो हम भी देखते हैं कि तुम अपनी इनोसेंस को यहाँ पे कैसे प्रूव करोगे। लेकिन उनमें से एक ब्रदर को थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि जो पल्स क्विंचिंग पिल होता है वो एक स्पिरिचुअल इक्लिसर है जिसे एक 1-स्टार का एल्केमिस्ट मात्र 30% ही बना सकता है। अब उस बंदी को यहाँ पे लग रहा होता है कि सुतियांग अब भी 1-स्टार लेवल का ही एल्केमिस्ट है लेकिन हमने पिछले के एपिसोड्स में ही देखा है कि सुतियांग अब 3-स्टार लेवल का एल्केमिस्ट बन चुका है लेकिन उस बंदे को पता नहीं होता और वो भी इस कंडीशन के लिए मान जाता है। आगे वो उस पल्स क्विंचिंग पिल को बनाने के सारे जो मेडिकल हर्ब्स होते हैं वो सुतियांग के सामने अपीयर करता है जिसे देखते ही सुतियांग उससे पूछता है क्या ये सारे हर्ब्स प्राचीन है कि नहीं, मतलब कि इन सारे मेडिकल हर्ब्स का बहुत पुराना होना जरूरी है तभी वो पिल्स रिफाइन कर सकेगा। अब हमें पता है कि सुतियांग आसानी से उस पल्स क्विंचिंग पिल को बना लेगा लेकिन इससे पहले कि वो अपनी रिफाइनिंग की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू करता है इससे पहले ही एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।